वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप एक यूट्यूबर है, एक कंटेंट क्रिएटर है, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी मजेदार वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूं जहां पर जो है आप आसानी से अपने कंटेंट को क्रिएट कर पाएंगे। और आपको आपके वीडियो में एडिटिंग करना हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो, टेक्स्ट टू स्पीच करना हो, दो वीडियो को आपस में जोड़ना हो, वीडियो को कट करना हो, इसके अलावा आपको ऑडियो में कोई वर्क यहाँ पर करना हो या पीडीएफ फाइल में कोई वर्क यहाँ पर करना है, तो ये सारी चीजें आपको जो है एक ही वेबसाइट पर यहाँ पर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सेठ सोलंकी, आप देख रहे हैं सेठ स्टॉक चैनल, जहाँ पर आपको YouTube ब्लॉगिंग में मेकमनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज समय समय पर दिया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है 123apps.com। यहाँ पर जो है आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। वेब एप्स बाय 123apps यहाँ पर जो है लिखा होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो है वीडियो टूल्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पर कर पाएंगे, वीडियो को मर्ज कर पाएंगे, ऑडियो टू वीडियो यहाँ पर जो है ऐड कर पाएंगे, वीडियो को यहाँ पर जो है आपस में काट पाएंगे। इस तरह के कई टूल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप अपनी ऑडियो में भी जो भी चेंजेस यहाँ पर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑडियो के भी यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए, ऑडियो में आपको स्पीड चेंज करना हो, वॉल्यूम को कम या ज्यादा करना हो, ऑडियो को कहीं से कट करना हो, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ फाइल के टूल भी यहां पर देखने को मिलेंगे। पीडीएफ फाइल को आपको जो है कहीं से कट करना है, पीडीएफ फाइल को मर्ज करना है, उसे कंप्रेस करना है, लॉक फाइल को अनलॉक करना है, ये सारे टूल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये वेबसाइट एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए, एक ब्लॉगर के लिए यहाँ पर जो है काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या ये फ्री है या आपको जो है यहाँ पर इन टूल को यूज़ करने के पैसे देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक प्राइसिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर हम चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसे यूज करना कितना यहाँ पर फ्री है। तो यहाँ प्राइसिंग वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा पहले कि आप कौन से वर्क के लिए इस वेबसाइट का यूज करना चाहते हैं। जैसे कि अभी वीडियो टूल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि वीडियो वाला कोई काम मुझे यहाँ पर करना है। तो यहाँ फ्री वाले सेक्शन में देखें तो टोटल इस वेबसाइट पर आपको 51 टूल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से वीडियो टूल के लिए आप 5 टूल्स जो है यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हैं, यानी कि 5 फाइल जो है आप यहाँ पर डे यूज कर सकते हैं, 500 MB तक का डाटा यूज कर सकते हैं और फास्ट स्पीड यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जब आप वर्क करेंगे तो बीच बीच में यहाँ पर जो है आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन यदि आप यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर अनलिमिटेड फाइल आप यूज कर सकते हैं और 4GB तक का डाटा आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे और एडवर्टाइजमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन इसका 190 रुपीज पर मंथ के हिसाब से है। वहीं पर ऑडियो टूल की बात करें तो यहाँ पर डे आप 35 ऑडियो फाइल्स को फ्री में यूज कर सकते हैं। पीडीएफ की बात करें तो 25 फाइल्स, ऑडियो कन्वर्टर की बात करें तो 70 फाइल्स और वीडियो कन्वर्टर की बात करें तो 5 फाइल्स जो है आप यहाँ पर डे फ्री में यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल की वेबसाइट। यदि आप इस वेबसाइट का यूज करना चाहते हैं तो 123apps.com पर जो है विजिट कीजिए और यहाँ पर जो है इनके टूल आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। जिस भी टूल का आप यूज करना चाहते हैं इसे जो है यूज करके अपने वीडियो को, ऑडियो को और पीडीएफ फाइल को आप जो भी चेंजेस उनमें करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन, ये वेबसाइट आपको जो है पसंद आई होगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट की मदद से आपको जो है मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करके भी दिखाऊं तो आप नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।